किसान साथियों, मैं रमन त्यागी आप सभी का अभिनंदन करता हूं रविजोन फार्म फ्रेंड में। साथियों, आज हम देखेंगे एक ऐसा फार्म जिसपे डबल FG और RIR देसी मुर्गी का पालन हो रहा है, और उन भाई से हम जानेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पे मुर्गी पालन कर रहे हैं, फ्री रेंज में भी और फीड के ऊपर भी। तो चलिए देखते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। भाई जी, आपका स्वागत है हमारे रविजोन फार्म फ्रेंड में जी। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए आप। सर जी, मेरा नाम मारूफ है जी, और हमारा ये फार्म खजूरी में है, अलीपुर रोड खजूरी गांव जी। जी तो भाईजान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस फार्म को कितने टाइम से चला रहे हैं? करीब 2 साल से चला रहे हैं जी। अच्छा, तो ये कौन सी ब्रीड है जो आपने रखी हुई है? इसमें डबल FG है जी और RIR है। अच्छा, और एक कड़कनाथ है। अच्छा, तो जैसे आपने डबल FG की बात करी और RIR की बात करी जी, तो आपने यही ब्रीड क्यों चुनी? RIR जो है सबसे ज़्यादा देसी में जो अंडा देती है वो RIR ब्रीड है जी, और डबल FG इसलिए चुनी है कि मांस के लिए और अंडे के लिए दोनों के लिए अच्छा लोग पसंद करते हैं जी। तो हमारा जो मेन काम है ये तो मदर है जी, इनसे हम अंडा लेते हैं, अंडे से चूजा निकाल के वो भी सेल करते हैं। कोई फार्मर या कोई किसान अगर 1-2 मुर्गी 10-5 मुर्गी हमसे लेना चाहे, मुर्गा लेना चाहे, वो सब मिलेगा हमारे यहाँ। अच्छा। अंडा भी, चूजा भी, मुर्गा मुर्गी भी, सब कुछ देने के लिए हम कई वैरायटी रखते हैं, कड़कनाथ भी रखते हैं। तो आपने जो ये अपना फार्म बनाया हुआ है जी, ये आपने लगभग कितने एरिया में बनाया हुआ है? ये करीब 3 बीघे में। अच्छा, शेड का जो आपने पार्ट रखा है वो कितने एरिया में है? वो करीब 1 बीघे में। अच्छा जी, तो जैसे 2 बीघे में आपने फ्री रेंज किया हुआ है जी, तो इस फ्री रेंज से आपको क्या बेनिफिट लगा? सर जी, अगर हम फीड खिलाएंगे बिना फ्री रेंज के तो वो अगर हमारा 100% लग रहा है तो फ्री रेंज में 50% लगेगा जी, 50% की बचत आती है। अच्छा जी, तो अभी जैसे फीड की हम बात करें तो आप एक मुर्गी कितना फीड खा लेती है आपका? अगर हम फ्री रेंज में ना खिलाएं तो करीब हमारा फीड खाएगी 2 रुपये करीब। अच्छा, दो दिन का? 2.5। हाँ ठीक है, और अगर फ्री रेंज में रखेंगे तो फिर खर्चा आएगा करीब इसका 1 रुपये फिर में। अच्छा जी, फिर रात रात में खाएगी थोड़ा बहुत बस। ठीक है, पूरे दिन ये हरा चारा खाएगी। अच्छा, और अभी आपके पास में कितने बर्ड्स हैं? ये बड़े बड़े हमारे पास करीब 500 पीस हैं जी, और चूजे हैं अभी करीब हमारे पास 2000। अच्छा जी, तो 2000 चूजे जो हैं वो कितने टाइम के हो गए आपके पास में? 1 हफ्ते के हैं 1000, और 1000 हैं 30 दिन के आ जाओगे पूरे। तो ये मतलब आप एक रोटेशन टाइप ऐसा क्यों रखते हैं? अभी सर्दी का मौसम है, किसान हमारे फार्म से अंडा ले जाते हैं जी, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा। इस टाइम हमारा 15-20 रुपए का अंडा जा रहा है। ठीक है, और चिक्स जा रहा है 22 रुपए का जी, तो चिक्स ना निकाल के हम डायरेक्ट अंडा दे रहे हैं, और आने वाले अभी 1-2 हफ्ते बाद हम सारा अंडे से चूजा निकाल लेंगे, वो चूजा सेल करेंगे फिर। भाईजान, दरअसल होता क्या है कि देसी मुर्गी का पालन हर कोई करना चाहता है, क्योंकि इसमें जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे आपने फ्री रेंज में बताया जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है किसान को या जो देसी पालन कर रहा है कि वो इसका अंडा बेचे कहाँ, कैसे बेचे, या इसका मीट पर्पज से इसको कैसे बेचे। तो आपने तो एक बहुत बड़े लेवल पे कर रखा है जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपके पास में बर्ड्स हैं, आपने बताया कि रोटेशन टाइप भी आपने किया हुआ है जी, जी। तो आप इसकी मार्केटिंग या अंडा बेचना या इसका चूजा बेचना और मीट पर्पज से, तो आप कैसे करते हैं? सर जी, 4 महीने जो सर्दी के आते हैं वो तो हमारे फार्म से अंडा चला जाता है जी, और बाकी के 8 महीने लोग इंसान अंडा नहीं खाते, देसी कम खाते हैं जी, तो इसलिए हम इसका चूजा निकालते हैं। अच्छा, और किसी के पास हैचरी नहीं है तो छोटी बड़ी ना छोटी लगा ले, फिर भी अंडा ज़्यादा हो रहा है जी, तो मेरा जैसे हमारा शहर मेरठ है, गढ़ है, कहीं भी हैचरी वालों को अंडा दे देंगे। ठीक है, वो चूजा निकाल लेंगे उससे। तो जैसे वो हैचरी वाले चूजा मतलब अंडा लेते हैं जी, वो कितने का चला जाता है उस टाइम पे? वो गर्मी के मौसम में करीब 10-12 रुपए का जाता है अंडा, जाता है अंडा चला जाता है उस टाइम पे, और ठंड में जो अंडा जा रहा है वो 15-20 रुपए 20 रुपए का। तो अभी आपकी जो मुर्गियां हैं वो लगभग कितनी मुर्गियां आपके अंडा दे रही हैं? हमारी मुर्गी इस टाइम दे रही है करीब 450 मुर्गी अंडे दे रही है, और 50 मुर्गे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे अगर हम इनकम की बात करें तो आप पर डे के हिसाब से कितनी इनकम कर पा रहे हैं इतने बड़े फार्म में? मानो हमारे करीब 400 अंडे आ रहे हैं जी, और 400 अंडे 15 के साथ 6000 रुपए का हो गए जी, फील्ड का खर्चा इनका 1000 से नहीं 1500 रुपए मान लो। अच्छा, तो फिर भी 4500 रुपए करीब
रोज का हिसाब किताब है इनमें। तो अभी तो आपने बताया इसके फायदे, अगर हम इसके नुकसान की या इसके डिसएडवांटेज की बात करें देसी मुर्गी पालन की, तो वो क्या आपको लगी? जैसे आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं तो वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। वो इसलिए कि टाइम पे वैक्सीनेशन ना करना जी, दवाई का ख्याल ना रखना और अपने सेट में माहौल टेम्परेचर सही ना रखना। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर सही रखेंगे तो मुर्गी बीमारी नहीं पड़ेगी, और अगर कोई बीमारी आ भी गई है तो उसका टाइम पे इलाज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और टाइम पे इलाज ना करा तो सब मर जाएगी। मैंने ऐसा देखा है कि मुर्गियाँ जो देसी मुर्गी होती है उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है जी। जब चूजा होता है तो चूजे में मोर्टिलिटी बहुत कम होती है जी, उस टाइम पे जी, जी, ज्यादा नहीं मरते, लेकिन जैसे जैसे बर्ड बढ़ना शुरू करता है लगभग 30 से 35 दिन का, उस टाइम पे मैंने ये नोट किया है कि मोर्टिलिटी कुछ ज्यादा होती है। ऐसा आपने भी देखा होगा या सुना होगा और फार्म पे कहीं जी, तो जी, वो किस वजह से होना शुरू हो जाता है? ब्रूडिंग सही ना करने से। अच्छा, वैक्सीनेशन ना करने से। अच्छा जी, अगर ब्रीडिंग सही से करेंगे तो बच्चे की मोर्टिलिटी नहीं आएगी जी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब बर्ड कम से कम 30 से 35 दिन का हो जाता है उस टाइम पे मोर्टिलिटी कुछ ज्यादा होती है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं। और कहीं आपने देखा हो ऐसा? कहीं सुनने में आती रहती है किसी के बड़े पूरे तैयार बच्चे मर जाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम टाइम से दवाई और वैक्सीनेशन करते रहते हैं। अच्छा, तो अभी भाईजान जैसे सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कम से कम कितनी बर्ड से स्टार्ट करें और स्ट्रक्चर पे कितना पैसा लगाएं? सबसे पहले शुरू करने के लिए देखो, किसानों के पास पैसा कम होता है जी, तो ज्यादा बड़ा काम ना करके छोटे से का काम से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि 100 बर्ड लिए, 100 में 10 मुर्गे हो गए, 90 मुर्गियां हो गई, इनसे छोटे से स्टार्ट करें और कच्चा फार्म बनाए पहले। ठीक है, जो उसे फायदा नजर आने लगे तो कितने बढ़ा लो, फिर पहली बड़ा लगा लिया, अंडा सेल नहीं कर पाए या उसे अच्छे से नहीं कर पाए, कोई भी नुकसान लगा होने जैसे पीछे हटेगा, पीछे हटने का रास्ता भी होना चाहिए। बिल्कुल, 100 बच्चों में कोई दिक्कत नहीं आने की, 100 लो, 100 पालो, फायदा लगे फिर 1000 कर लो, 2000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उस पर कितना पैसा खर्च करें? कम से कम जितना कम से कम हो सके, बांस का, बल्ली का और छप्पर का सस्ते सस्ता करो पहले, किसी पास ज्यादा पैसा तब भी सस्ता करो पहले। आपने जैसे बहुत पक्का शेड बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से सोलर पैनल लगा हुआ है, सब कुछ मतलब फैसिलिटी आपके फार्म पे है, तो लगभग आपका कितना खर्चा आ गया था इसको? हमारा खर्चा आया जी 8 लाख रुपए। पहले हमने भी कच्चे से स्टार्ट किया था। अच्छा, पहले जब रास्ता मिल गया ठीक से कि हाँ भी इसमें क्या इनकम है, फिर हमने खोल के दिल खोल के पैसा लगा दिया। अच्छा, तब उसके बाद स्टार्ट किया आपने सारा कुछ? ठीक है, तो जैसे अगर कोई किसान भाई बच्चा लेना चाहे इसका जी, तो वो एक दिन का बच्चा कितने रुपए का मिल जाता है? 22 रुपए का इस टाइम, 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, अप डाउन रहता है जी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई ने 100 बच्चों से स्टार्ट किया और वो कितने टाइम बाद में एक उसको आमदनी होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि अंडे का प्रोडक्शन कितने टाइम बाद में होना शुरू हो जाता अंडा है? अंडा 5 महीने में फुल अंडे पर जाती है जी, अगर अंडा लेना है, और अगर मांस पे करना है तो 3 महीने में मांस के लिए तैयार हो जाता है ये मुर्गा। अच्छा, तो ये हमें टोटल फीड पे चलाना पड़ेगा या इसमें फ्री रेंज और फीड दोनों ही आपने बताया कि 5 महीने में आ जाएगा? खाली फीड चलाएंगे तो खर्च ज्यादा आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, खर्च ज्यादा आएगा, इसलिए मेरा तो कहना ये है फ्री रेंज में चलाओ, रात में फ्री दो, फीड दो सुबह शाम में, और दिन में फ्री रेंज में चलाओ बस। तो सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं उनसे और आप क्या कहना चाहेंगे अपने फार्म के बारे में और देसी मुर्गी पालन के बारे में? भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि किसी दूसरे की मजदूरी ना करके, दूसरे का काम ना करके, चाहे छोटे पैमाने पर अपना काम हो जी, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करो। तो भाई जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं तो इंस्टा को भी फॉलो करें। धन्यवाद।